नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि बहुत जल्द हम लोग मैट्रिक के एग्जाम के लिए कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं जिससे सारे स्टूडेंट को कुछ फायदा होने वाला है। चलिए वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन ये फिजिक्स से लिया गया है। हम कम से कम फिजिक्स का 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन में से समझ लिए कि जितना भी क्वेश्चन फिजिक्स से पूछेगा इसी के अंडर से आएगा, ये ऐसा नहीं, पूरा विश्वास है। तो चलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फटाफट कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को लिखते जाइए, अपने दिमाग में लिख लीजिए या नहीं तो अपने कॉपी को खोल करके लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यहां तक हम लोग जानते हैं कि जहां तक मानव का आंख का सवाल है वो कितनी दूर देख सकता है इसका कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन कितनी नजदीक तक की वस्तु देख सकता है इसका ये लिमिट होता है। जैसे अगर आप लोगों से क्वेश्चन कर दे कि मानव का आंख जो है कितनी दूरी तक देख सकता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा अनंत। आप लोगों का आंसर क्या आएगा? अनंत। ठीक है, मानव का आंख का कोई लिमिट नहीं होता है कि एक स्वस्थ आंख जो होता है कितनी दूरी तक देख सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पूछा है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी स्वस्थ आंख किसी भी कितनी नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, उसके साथ कुछ न दो प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, एक तो परावर्तन का और दूसरा अपवर्तन का। प्रकाश के साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, एक परावर्तन का और दूसरा अपवर्तन का। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, हमें ये दो नंबर क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, और थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। ये जो है एक समतल दर्पण है, इसको मान लीजिए एक समतल दर्पण है, और बोला है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत का मतलब बिल्कुल सीधे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ पे तिरछी नहीं पड़ रही है, ये जो पड़ रही है बिल्कुल सीधे पड़ रही है, यानी कि बिल्कुल ऐसे पड़ रही है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दर्पण पे प्रकाश सीधे पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तो वो जो दर्पण पे टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो हम चूंकि मैथ में पढ़े हुए हैं कि जब भी किसी रेखा पे कोई लंब डाला जाता है तो उस लंब के दोनों तरफ जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए कि यही हमारा क्या है? आपतित किरण हो गया, इसी में हमारा क्या है? परावर्तित किरण है, यानी कि ये जो है हमारा परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का मान हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा? 90 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? आप लोग चुंबक से भली भांति परिचित होंगे कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहयुक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। थोड़ा सा चुंबकीय प्रभाव का मतलब यानी कि वैसा प्रभाव जिसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि जब किसी भी तार में, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती है, उस तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे मान लीजिए कि तार हो गया, यहां से हम इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय गुण आ जाएगा। इस तार के चारों तरफ जो है चुंबकीय गुण आ जाएगा, चुंबकीय गुण जो है आ जाएगा, चारों तरफ चुंबकीय गुण आ जाएगा। इसी गुण की खोज आस्टेड ने किया था। आस्टेड ने किया था, किसने किया था? आस्टेड, आस्टेड ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हमें जो है इलेक्ट्रिक खींच लिया, किसी वक्त कोई आदमी इलेक्ट्रिक में सट के मर गया, तो ये सब चुंबकीय गुण की वजह से होता है, ये सब चुंबकीय गुण की वजह से होता है। जबकि किसी भी परिपथ में
किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी नियम को इसने खोजा था, आस्टेट ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आस्टेट ने खोजा था। अब देखो, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। देखो, घरों में विद्युत आपूर्ति करने, मेरे कहने का मतलब है कि हम जो विद्युत बल्ब जलाते हैं या हमारे घरों में जो लाइन वगैरह आती है वो कितना वोल्ट का होता है, कितना वोल्ट का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा वो 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का। और ये कौन सा विद्युत धारा होती है, प्रतिवर्ती धारा, क्या होती है, प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन करेगा कैसे, इसमें ऑप्शन चार दे देगा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, 220 वोल्ट डिस्ट धारा वगैरह वगैरह कुछ अगर देगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 220 वोल्ट क्या है, प्रतिवर्ती धारा, यानी जी प्रतिवर्ती धारा भी दो तरह की होती है, आप लोग सुने होंगे एसी डीसी, तो इसके अंतर्गत हम लोग जान लिया। आगे चलते हैं, हमारा पांच नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। एक वैज्ञानिक था, एक रसायन शास्त्री था जिसका नाम सारेंसन था, क्या था, सारेंसन, रुकिए इसको लिख देते हैं पहले, एक रसायन शास्त्री था जिसका नाम सारेंसन था, सारेंसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था, किसने, सारेंसन, इसने एक पीएच स्केल बनाया जिस स्केल से हम लोग अम्लीयता का गुण, क्षारीयता का गुण तथा उदासीनता का गुण जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इस पीएच मान में 1 से लेकर 14 तक का अंकों को क्या किया गया, निर्दिष्ट किया गया, और ये कहा गया इस पीएच मान, इस पीएच स्केल के अनुसार जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन के अंतर्गत जाना जाता है, क्या जाना जाता है, उदासीन, यानी वो विलयन क्या हो जाता है, उदासीन, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, यानी 6 हो 5 हो 4 हो 3 हो 2 हो, उसे अम्लीय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है, ठीक है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारीय। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पे तो कि पूछा है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा कि 7 से क्या कम, आप लोग 7 से कम पे टिक मारिएगा। अगर पूछे कि क्षारीय, यहाँ पे अम्ल के जगह पे क्षार का पीएच मान पूछ दे तो क्या मारिएगा, 7 से ज्यादा, और उदासीन का पूछ दे तो क्या मारिएगा, केवल 7, कितना, केवल 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो लेंस में दो तरह के मुख्य फोकस होते हैं, जैसे एक लेंस मान लो कि हम यहां बना रहे हैं, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया, एक फोकस इधर रहता है और एक फोकस इधर रहता है, इसको F1 और इसको F2, तो लेंस में कितना फोकस होता है, 2 होता है, लेंस में फोकस बिंदु 2 होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंस में फोकस बिंदु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर होता है हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो थोड़ा सा हम ये जान लें कि आखिर वक्ता त्रिज्या तथा फोकस के बीच क्या संबंध होता है, तो एक बात याद रखिएगा, जो वक्ता त्रिज्या होता है वो फोकस का 2 गुना होता है, कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, यानी फोकस जो होता है ये वक्ता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, फोकस जो होता है वक्ता त्रिज्या का आधा, ये आर जो है, आर को वक्ता त्रिज्या से निरूपित करते हैं और एफ को फोकस दूरी से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें किसका मान निकालना है, एफ बराबर निकालना है, कि एफ बराबर होता क्या है, तो एफ बराबर हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि 80 बटा कितना हो जाएगा, 2, कट के आंसर कितना जाएगा, 40, कितना जाएगा, 40, तो किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 80 हो तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां आप लोगों से क्वेश्चन कैसे कर सकता है, इसमें फोकस दूरी दे देगा और बोलेगा कि वक्ता त्रिज्या कितनी होगी, तो जब फोकस दूरी दे देगा और वक्ता त्रिज्या पूछेगा तो आप लोग फोकस दूरी में 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे
बताया है कि वक्ता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दो गुना होता है। अगर यहाँ पे 40-80 जो होता फोकस दूरी का मान होता तो यहाँ पे वक्ता त्रिज्या 160 हो जाता। कितना हो जाता? 160 हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर आप लोग जेंट्स हैं तो आप लोग कभी ना कभी किसी सैलून में जाते होंगे, वहां पे देखे होंगे कि शीशा दर्पण लगा होता है। वो जो हजाम होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, जिससे उन्हें दाढ़ी काटने में जो होता है आसानी मिलती है। तो वो कौन सा दर्पण है? वो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा? अवतल अवतल दर्पण। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है, आशा करता हूं समझ में आता होगा। अब देखिए, अब रहा सवाल कि दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? अरे उत्तल दर्पण का भी तो कर सकते हैं। देखिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण जो होता है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाता है, यानी बड़ा बनाता है। अगर मान लीजिए हमारा दाढ़ी जो है वो छोटा छोटा बारीक है, उस दर्पण में जब हजाम उस दाढ़ी को देखेगा तो उसे बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा और वो आसानी से उस दाढ़ी को क्या करेगा? काट देगा। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से पूछ सकता है कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं, कौन हजामती दर्पण है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं, किस पे टिक मारिएगा? अवतल दर्पण पे, चूंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनाता है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने के लिए हजाम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अब आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दो कंडीशन में बनता है, एक तो आभासी बनता है और दूसरा वास्तविक बनता है। आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार की प्रतिबिंबें जो है अवतल दर्पण में बनती हैं। तो यहां डाल देंगे कि यहां इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर चालक के समीप कौन सा दर्पण लगा होता है? जो मोटर चालक होता है उसके बगल में हम देखते हैं कि एक शीशा लगा होता है जिसे वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता है। तो उस मोटर चालक के पीछे वो कौन सा दर्पण लगा होता है? उसका नाम क्या? उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर चालक जो है अपने समीप में क्यों करता है? क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बिल्कुल छोटा करके बनाता है। क्या बनाता है? बिल्कुल छोटा करके बनाता है। अगर उसके गाड़ी के पीछे से कोई बड़ा सा हाथी भी आएगी तो वो छोटा सा दर्पण में उस हाथी का प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा करके दिखा देगा। कितना ही बड़ी पीछे से गाड़ी आएगी, उसका फोटो, उसका फिगर, उसका प्रतिबिंब ये दर्पण जो है बिल्कुल छोटा करके दिखा लेगा और ड्राइवर आसानी से देख लेगा कि हमारे पीछे कौन सा गाड़ी आ रही है। उस हिसाब से ड्राइवर अपने गाड़ी की बैलेंस को नियंत्रित कर लेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन कोण तथा आपतन कोण में क्या संबंध है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा इस नीचे बने हुए फिगर पे ध्यान देंगे। ए से लेकर बी तक एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पे यहां से कोई किरण आ रहा है, प्रकाश का किरण आ रहा है और इस बिंदु से टकरा के पुनः इसी दिशा में क्या हो जा रहा है? परावर्तित हो जा रहा है। अब देखिए, अब बीच में क्या डाला गया है? लंब। तो लंब डालने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इधर भी एक कोण बन गया, इधर भी एक कोण बन गया, ये दोनों कोण बन गया। तो लंब और आपके बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। लंब और परावर्तित किरण के बीच में बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो बराबर का होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। यानी कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कहने का मतलब है कि यदि आपतन कोण 40-45 डिग्री का हो जाता है तो ये परावर्तन कोण भी कितना का होगा? 45 डिग्री का होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 60 डिग्री है,
तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो वे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण का मान होगा। जैसे यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना? 45 डिग्री हो गया है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हुआ है? 45 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच में जो संबंध होता है वो बराबर का होता है, यानी आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये हर साल ये संभावना होती है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, जब किसी समतल दर्पण पे कोई किरण आके टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए जरा हम इस फिगर पे ध्यान देंगे। मान लीजिए कि ये किरण आया, इधर टकरा के इधर चला गया, तो इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो एक नियम तो हमने बता दिया कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो बीच में लंब डाले हैं, देखिएगा ध्यान से, ये तीनों एक ही बिंदु पे है। मान लीजिए यहाँ बिंदु सी है, ये तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पे है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और आपतित किरण परावर्तित किरण, और बीच में डाला गया लंब जो होता है एक ही बिंदु पे होता है। आगे चलते हैं, दर्पण सूत्र लिखे। बिल्कुल आसान सा सवाल है दर्पण सूत्र का। देखिए, दर्पण सूत्र जो होता है वो ये होता है, एक बाटा यू प्लस एक बाटा भी बराबर एक बाटा एफ। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र जो है एक बाटा यू प्लस एक बाटा भी बराबर एक बाटा एफ होता है, जहां यू बराबर वस्तु की दूरी, यू बराबर का वस्तु की दूरी, ठीक है, भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और एफ बराबर जो होता है फोकस दूरी होता है। क्या होता है? एफ बराबर फोकस दूरी। कोई दिक्कत? एफ बराबर जो होता है क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप लोगों को पूछे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र एक बटा यू प्लस एक बटा भी बराबर एक बटा एफ। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि एक लड़का किसी समतल दर्पण के सामने 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ता है तो उसके प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? अब देखिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा नीचे आइएगा। मान लीजिए कि यहाँ हमने एक दर्पण खड़ा कर दिया है, वो समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है, यहाँ खड़ा कर दिया है। ठीक है, यहां से एक लड़का जो है, यहां से मान लीजिए कि ये लड़का जो है दौड़ लगा रहा है किधर? समतल दर्पण की ओर दौड़ लगा रहा है, किधर? शीशा की ओर। तो जब शीशा के सामने है तो ये जो है इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा किसमें? इस शीशा पे बनेगा, इस शीशा के अंदर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये लड़का जो है दौड़ लगा रहा है कितना चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से शीशा के सामने क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तो इसके शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी तेजी से उस शीशा में दौड़ेगा, वो कितनी तेजी से उस शीशा में दौड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, जितनी तेजी से हम किसी समतल दर्पण के सामने दौड़ते हैं उसके दो गुना तेजी से उस दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब दौड़ता है। उसके कितना गुना? दो गुना तेजी से। तो मान लीजिए ये लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो उसके शीशा के जो अंदर प्रतिबिंब बना हुआ है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा? 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। इस बात को याद रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। ठीक है, 16 नंबर चलते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितना होता है? ठीक है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां दो चीज हमने लिख डाला है, हवा और निर्वात। तो आखिर हवा और निर्वात का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, हवा और निर्वात का मतलब क्या होता है? हवा का मतलब होता है कि वैसा वातावरण जिसमें वायु उपस्थित हो, वैसा वातावरण जिसमें वायु उपस्थित हो उसे
हवा का वातावरण हम लोग कह सकते हैं, और निर्वात का मतलब होता है कि वैसा वातावरण जहां वायु उपस्थित नहीं हो, जहां वायु उपस्थित नहीं हो, ठीक है। तो दोनों में प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के पावर माइनस एक होता है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात जो होता है ये हमारे पृथ्वी के भूमंडल यानी पृथ्वी के कक्ष में नहीं होता है, ये हमारे पृथ्वी के कक्ष के बाहर होता है। यही कारण है कि निर्वात की वजह से ही अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनको आकाश काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां जो होता है हवा नहीं होता है, वहां क्या होता है? हवा नहीं होता है। आगे चलते हैं, प्रकाश का तरंग किस प्रकार का होता है? तो प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ। याद रखिएगा, प्रकाश का तरंग जो होता है क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? सोलर कुकर सबसे पहले समझेंगे कि सोलर कुकर क्या है। सबसे पहले जानिए कि सोलर कुकर क्या है। सोलर कुकर एक प्रकार का ऐसा बर्तन है जिसमें हम कोई भी खाने वाला पदार्थ सूर्य के रोशनी में रख करके बनाते हैं। जैसे कि हमें चावल बनाना है, क्या बनाना है? चावल बनाना है। हम क्या करेंगे, उस सोलर कुकर में चावल रख देंगे, और उसे रखने के बाद हम गैस पे या किसी चूल्हे पे नहीं रखेंगे, उसे हम धूप में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? धूप में। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो चावल क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस बर्तन में भी एक दर्पण का प्रयोग होता है जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इस दर्पण में भी एक प्रकार के दर्पण का प्रयोग, इस बर्तन में भी एक प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो हम क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे? अवतल अवतल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्टरों के व्यवहार में कौन सा दर्पण का प्रयोग उपयोग होता है? डॉक्टरों जो डॉक्टर होते हैं, आंख का नाक के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं बीमारियों को पता लगाने के लिए। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा करके दिखाता है, जिसके वजह से डॉक्टर अगर तुम्हारे आप लोगों के कान में कोई प्रॉब्लम हो, आंख सॉरी दांत में कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर आसानी से क्या कर लेता है? देख लेता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान सा सवाल ये पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको डाला है। गोलीय दर्पण जो है इस टाइप का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। यानी कि जो दर्पण गोल हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग डेली बाय डेली क्लास 10 के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो अब की बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन से लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो अपना प्रॉब्लम लिख के डाल सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन का नंबर भी आप लोग डाल दीजिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तो आने वाले अगले वीडियो में हम जो है उस नंबर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कभी आप लोगों के लिए कोई वीडियो डालें, कोई वीडियो छोड़ें, तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।